क्योंकि इस बार बजट में, जुलाई के बजट में, चुनाव होने के बाद के बजट में हमने प्रमुख स्थान एमएसएमई को दिया है, और ये कंसल्टेशन चुनाव से पहले भी हुआ, इस बजट तैयार करने के ठीक पहले भी हुआ। इसीलिए हम अभी हर एमएसएमई क्लस्टर जहां सिडबी का ब्रांच ओपन करना या ऑलरेडी है, ऐसे क्षेत्र में जाकर के इस बार बजट के द्वारा एमएसएमई के लिए कितने भी प्रावधान हमने ले आए उसको विस्तार से बोल करके चर्चा गोष्ठी के द्वारा हमारे अधिकारी गण भी साथ रह करके उसमें टेक्निकल बातें जितनी भी हो उसमें अगर आपको कुछ आपके प्रश्न को जवाब कोई देना है तो सेक्रेटरी साहब के द्वारा वो जवाब भी आपको दे करके, और उनके भागीदारी जो भारत के इकोनॉमी में है उसको एक अच्छा स्थान दिलाने के लिए, और उसके द्वारा 2047 में भारत विकसित भारत अगर होना है तो एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन उसमें प्रमुख ऐसे मानकर चलने वाले इस सरकार आपके सामने आने का एक श्रृंखला शुरू हुआ, और उस श्रृंखला में पहला क्षेत्र इस वीर भूमि उदयपुर होगी। और आज इसीलिए मैं आपके सामने खड़े होकर के बात कर रही हूं, इस बजट में 8 अंश प्रत्येक एमएसएमई के लिए उपयोग में आने वाले पॉलिसी डिसीशन हुआ है, और उन 8 प्रावधान को लागू करने के लिए हम क्लस्टर में आकर के बातचीत आपके सामने कर रहे हैं। एमएसएमई मिनिस्ट्री भी आज उस विषय में बहुत ही तेज गति से आगे आ रहे हैं। हर इन एमएसएमई क्लस्टर में हम जाएंगे, आज इधर आपके साथ कंसल्टेशन कर रहे हैं। पूरे देश में एक विषय हम मानकर चल रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर बैंक के द्वारा आपको जितने भी, और कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा भी जितने भी आपको क्रेडिट का सुविधा होना चाहिए वो तो होते रहेगा, मगर एमएसएमई को, एमएसएमई का बिजनेस को ठीक समझने वाले स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक के द्वारा डायरेक्टली अगर आपको क्रेडिट मिलने का प्रोबेबिलिटी अगर रहता है और मिलने का अवसर मिलता है तो और फेवरेबल होगा सिडबी के द्वारा जो लोन मिलता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको लेन कर रहा है। सिडबी से पैसा लेकर के फिर पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा जब आपको आता है, या पब्लिक सेक्टर बैंक से पैसा उठा करके स्मॉल फाइनेंस कंपनियां या स्मॉल बैंक्स या एनबीएफसी आपको लेंड करने के समय रेट उतना मात्रा में ज्यादा ही हो जाएगा। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रही हूँ आप एनबीएफसी के पास ना जाना, जरूर आपको आवश्यकता है तो जाइए, मगर हमारी इंटेंशन सिडबी के द्वारा आपको डायरेक्टली वो सुविधा जब मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो हर तरह आपके सुविधाजनक टर्म्स में मिलेगा। इसीलिए एमएसएमई क्लस्टर में आज मिनिस्ट्री के द्वारा 250 के करीब क्लस्टर्स पूरे देश में अगर है, अब तक 83 पॉसिबली प्लेसेस में सिडबी का डायरेक्ट प्रेजेंस है, 83 ऐसे एमएसएमई क्लस्टर्स में सिडबी डायरेक्टली प्रेजेंट है, आप उपयोग कर सकते हैं, उनसे बिजनेस बढ़ा सकते हैं। मगर बाकी क्षेत्रों में भी वो 2250 का एमएसएमई क्लस्टर्स में भी सिडबी का प्रेजेंस होना है। इसलिए इस बजट में हम इस साल 83 से बढ़कर के 120 का सिडबी का प्रेजेंस इस साल बढ़ेगा, 120 तक एमएसएमई क्लस्टर तक पहुंचेंगे सिडबी, और हर साल अब से सिडबी डायरेक्टली क्लस्टर में उनके प्रेजेंस से आएंगे।